हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। कोरोना वायरस का नया रूप डेल्टा प्लस वेरिएंट काफी तेजी से बढ़ने लगा है। देश में बीते 7 दिन में 32 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद इस वायरस के चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या 40 पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि इस वेरिएंट से मध्य प्रदेश में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर भले ही अभी शांत दिख रही हो, लेकिन कोरोना की ये शांति सिर्फ पल भर की हो सकती है। कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, आने पर ये कितनी तबाही मचाएगी, इसको लेकर अभी अंदाजा ही लगाया जा रहा है। लेकिन इस बीच कोरोना का बदला हुआ रूप डेल्टा प्लस चिंता का विषय बना हुआ है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि फिलहाल देश के 6 राज्यों में की गई है, जहां 40 लोग इस वेरिएंट की चपेट में हैं। देखा गया है कि सिर्फ 7 दिन में ही डेल्टा प्लस वेरिएंट के 32 मरीज सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट के कम से कम 7 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इनमें से 2 मरीजों की मौत हो गई है। डॉक्टरों के मुताबिक उनको कोरोना का कोई भी टीका नहीं लगा था। 3 मरीज जो टीके की 1 या दोनों डोज ले चुके थे, वो ठीक हो गए हैं। डेल्टा प्लस के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में सतर्कता बढ़ाने और जन स्वास्थ्य संबंधी उचित कदम उठाने की सलाह दी गई है। आइए आपको हम समझाते हैं कि आखिर क्या है डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट के रूप में हुए बदलावों की वजह से बना है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पहले भारत में भी पाया गया था, बाद के महीनों में ये दूसरे कई देशों में पाया गया। डेल्टा प्लस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में K4179 बदलाव हुआ। डेल्टा प्लस वेरिएंट को पहले B.1.617.2.1 कहा जाता था। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे पहले बार यूरोप में मिला था, और ये वायरस मानव शरीर में घुसकर इन्फेक्शन करता है। कोरोना की दूसरी लहर में हुए मानवीय क्षति के बाद सरकार अलर्ट है। दूसरी लहर में मची तबाही से लोग भी डरे हुए हैं। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर जिसने भारत में तबाही मचाई, उसके आने के पीछे डेल्टा वेरिएंट प्रमुख रूप से शामिल था। कोरोना की तीसरी लहर के पीछे ये वेरिएंट मुख्य रूप से शामिल हो सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन के संभावित रूप से असर न करने की भी आशंका है, जिसने लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। उधर डेल्टा वेरिएंट से निपटने की तैयारियों को लेकर विपक्ष भी सरकार पर सवालों के तीर चला रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया है कि जांच व रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है। वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर कितनी प्रभावशाली है और पूरी जानकारी कब मिलेगी। तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा हर दिन के साथ लगातार बढ़ रहा है, और सेकेंड वेव में जो खौफ लोगों के मन में पैदा हुआ, डेल्टा प्लस वेरिएंट से लोग और भी ज्यादा डर रहे हैं, क्योंकि डेल्टा के साथ यहां अगर प्लस लगा है तो जाहिर तौर पर यही आशंका है कि डेल्टा से ये कुछ ना कुछ हद तक और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए सतबीर चौधरी एज ए हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सतबीर जी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे जो सहयोगी अनूप, उनसे जरा जान लेते हैं कि अभी फिलहाल जो करंट सिनेरियो है, करंट स्थिति है, वो क्या बनी हुई है। अनूप अनूप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
चलिए अनूप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सतवीर जी सीधे आपके पास आना चाहूंगी, डेल्टा प्लस को लेकर जो डर की स्थिति बनी हुई है, आप कितना मानते हैं कि कितनी जायज ये डर की स्थिति है, क्योंकि डेल्टा प्लस और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, कितना ज्यादा खतरनाक आप इसे मान के चल रहे हैं? धन्यवाद नंदिता जी। सबसे पहली बात तो ये तो कोई नहीं बता सकता कि कोई भी वेरिएशन जब किसी भी जानवर की, किसी भी कीड़े मकोड़े की, किसी वायरस की, बैक्टीरिया की टेंडेंसी होती है अपने आप को बचा कर रखे। वो वायरस अपनी कोशिश करेगा कि वो जिंदा रहे, और हमें आदमी को, इंसान को ये कोशिश करनी है कि वायरस हमें अटैक ना कर सके, हम जिंदे रहे। तो हमें मैयर लेने होते हैं, वो अपने तरीके अपना रहा है, बार बार म्यूटेशन कर रहा है। हमें जो है सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क लगाना है, 2 फुट की दूरी रखनी है, बेकार में 2 गज की दूरी रखनी है, बेकार में घर से बाहर नहीं निकलना। हम अपनी सावधानी अपनाएं और उसके बारे में भूल जाएं कि वो क्या क्या म्यूटेशन करेगा। म्यूटेशन जरूर करेगा, डेल्टा प्लस शायद इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वो आगे भी म्यूटेशन कर सकता है, म्यूटेशन करता रहेगा। हाँ। ये उसकी टेंडेंसी है, उसको दोष देना इतना वाजिब नहीं है, क्योंकि हर जीव की ये टेंडेंसी है कि म्यूटेशन करे, अपने आप को जिंदा रखे, अपने आप को बचा कर रखे। जी, तो ये हमारी हमारी ड्यूटी है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। जी, मेरे विचार से जो अगला जो भी म्यूटेशन आएगा वो पहले म्यूटेशन से ज्यादा खतरनाक होगा। कितना खतरनाक होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है ये बताना एक बहुत मुश्किल काम। लेकिन डेफिनेटली दूसरी वेव से तीसरी वेव ज्यादा खतरनाक हो सकती है, अगर हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, 2 गज की दूरी नहीं रखेंगे, और जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है अगर हम नहीं मानेंगे तो डेफिनेटली हम खतरे में हो सकते हैं। हमें डरना नहीं है, हमें खौफ नहीं करना है, हमें सिर्फ सावधानी बरतनी है। दूसरी वेव से ये फायदा हुआ है, मैं इसको पॉजिटिव ढंग से लेता हूँ, दूसरी वेव से ये फायदा हो गया कि अब लोग, काफी लोग मास्क लगाने लगे हैं, सब लोगों को पता है क्या करना है। पहली वेव के बाद भी पता था, दूसरी वेव ने जो ऑक्सीजन की कमी के कारण, बेड की कमी के कारण जो इतनी ज्यादा डेथ हुई, गंगा नदी में लाशें तैरी हैं और अस्पताल के बाहर डेथ हुई हैं, और 15 अप्रैल के बाद 10 मई के लोगों को सिखाया है तो हो सकता है कि उसका फायदा मिले, लेकिन सिखाया है। जी, बड़े अफसोस की बात है कि आज भी इस तरह की तस्वीरें मिलती रहती हैं हमें बाजारों से, दुकानों से, कि लोग इतनी गंभीर परिस्थितियों से निकलने के बावजूद भी, जब देश इतनी गंभीर स्थिति में था उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो नहीं सीखे, जो आज भी मास्क उतारकर घूम रहे हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि कोरोना अभी इस वक्त शांत नहीं हुआ है, वो अपना रूप बदल रहा है। ये बात खुद प्रधानमंत्री ने भी कही। आपके पास मैं वापस लौटूंगी सतबीर जी, हमारे सहयोगी अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, अभी फिलहाल जो ताजा स्टेटस है, ताजा स्थिति है, वो साझा करें आप। देखिए नंदिनी जी, अगर हम कोरोना की बात करें, हालांकि कोरोना के मामले कम सामने आ रहे हैं, उसके बाद जो जिस प्रकार से फंगस के मामले थे, ब्लैक फंगस था, उसके भी काफी मामले आए थे, लेकिन जिस प्रकार से अब तीसरी जो रूप बदला है कोरोना ने अपना, और डेल्टा प्लस के नाम से जो अब सामने आ रहा है, तो वो बड़ा खतरनाक सामने है, और इसके बारे में अभी तक ये भी जानकारी नहीं कि इसे किस प्रकार से प्रभाव डालता है, कितना खतरनाक वायरस है। हालांकि भारत सहित ये पूरे 9 देशों में, जिसमें ब्रिटेन, पुर्तगाल, चीन और रूस जैसे देश भी शामिल है, अमरीका भी शामिल है, उन देशों में भी इसकी पुष्टि हुई है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के 6 राज्यों में इस प्रकार के जो संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें डेल्टा प्लस की पुष्टि हुई है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो गाइडलाइन जारी की गई थी कोरोना को लेकर के, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि चाहे सरकारी कार्यालय हो, चाहे निजी कार्यालय हो, या सार्वजनिक स्थान हो, कहीं पर भी वो गाइडलाइन फॉलो नहीं की जाती, मास्क का प्रयोग नहीं किया जाता। तो तमाम ऐसी जो गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए थी, उनमें कहीं कहीं अब लापरवाही नजर आ रही है, जिसके कारण अब ये दोबारा से इस प्रकार के मामले बढ़ भी सकते हैं। जी नंदन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। सतवीर जी, आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे कि बड़ी ही जरूरी है वैक्सीनेशन, अपने आप को वैक्सीनेट कराना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो नया डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसको वैक्सीनेशन खत्म करने में कितनी कारगर साबित हो सकती है? ये अभी पक्का नहीं कहा जा सकता कि क्या वैक्सीनेटेड क्या जो हमारे देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, वो इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है। ये कहना अभी बहुत मुश्किल है,
के वैक्सीनेशन जिसको हो गई है उसको डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो असर वो उसको वार नहीं करेगा, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ अगर उसको वैक्सीनेशन लगा हुआ है तो उतना घातक सिद्ध नहीं होगा वायरस जितना बिना वैक्सीनेशन लगे होगा, अगर इफेक्टिव भी नहीं है तो। और ज्यादा चांसेस ये हो सकता है इफेक्टिव भी हो, 50% लोगों में हो सकता है वैक्सीनेशन इफेक्टिव हो, क्योंकि जो वायरस है तो उसका भाई बंदी ना, उसके जो पॉलिसी उसके जो तरीके हैं वो पिछले वायरस से मिलते जुलते मिलेंगे, तो अच्छे चांसेस हैं कि जो नया म्यूटेशन आए उसके विरुद्ध भी वैक्सीनेशन इफेक्टिव हो, लेकिन गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन ये कहा जा सकता है कि वैक्सीनेटेड आदमी को कम कठिनाई होगी, उसको कम गंभीर लक्षण होंगे, और जो अनवैक्सीनेटेड है उसके लिए प्रॉब्लम ज्यादा होगी। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और सावधानियां बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जैसे मैं पहले भी कह रहा था, सकारात्मक लेते हुए दूसरी वेव ने हमें सिखाया है, वेव के बाद तो सच्चाई 90% लोगों में तो ये जुकाम है कुछ नहीं होता, लेकिन 10% लोगों को जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है और प्रॉब्लम होती है और डेथ भी हो जाती है। तो दूसरी वेव के बाद लोगों को ये बात समझ आ गया कि इसको गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है और लोग गंभीरता से ले भी रहे हैं। हमें इसको बार बार स्ट्रेस करना है। आपका चैनल और मीडिया बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझा रहा है कि उनको केयरफुल रहना है, लेकिन सरकार का भी काम है कि लोगों को समझाए, और जो रैलियां हैं मीटिंग है कम से कम है, जो मीटिंग ऑनलाइन हो सकती है, जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऑनलाइन बात हो रही है, स्काइप से बात हो रही है, जूम से बात हो जाए, किसी भी तरह हो जाए, बिल्कुल सामने सामने बात। बिल्कुल, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज जब हम इस पैंडेमिक में हैं तो हमारे पास एक वर्चुअल दुनिया है। ऐसा नहीं है कि इस काम नहीं हो रहे हैं, मीटिंग्स नहीं हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ऑफिस चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है। सतवीर जी आपके पास वापस लौटूंगी। राजा हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। राजा, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर मैं चर्चा कर रही हूं सतवीर जी से, आप फिलहाल मुझे जानकारी दें गुरुग्राम और हरियाणा को लेकर अभी फिलहाल क्या स्थिति कोविड के केसेस में बनी हुई है। काफी हद तक जो रिकवरी रेट है, गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें या फिर ओवरऑल हरियाणा की बात करें, रिकवरी रेट काफी अच्छा है, पर डेल्टा प्लस वेरिएंट की हम बात करें, जिस तरीके से जो है राज्यों में जिस तरीके से काफी ज्यादा मामले कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं तो पिछले एक हफ्ते में 32 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें 2 साल की बच्ची भी कहीं ना कहीं शामिल है, 2 मरीजों की इसमें मौत हो गई है। साफ तौर पर काफी जो डेल्टा प्लस जो कहीं ना कहीं जो ये वायरस है ये काफी खतरनाक कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। साफ तौर पर इसको लेकर तमाम जो राज्य हैं, जिन 6 राज्यों में इसकी पुष्टि हुई है, 40 से ज्यादा कहीं ना कहीं केस बताए जा रहे हैं, तमाम जो करें या फिर डॉक्टरों की बात करें वो साफ तौर पर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व की बात करें और ये देश की बात करें, 6 राज्यों में है, इसको लेकर सरकार काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है, हर एक राज्य में इसको लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट कहीं ना कहीं किया जा रहा है। साफ तौर पर जिस तरीके से जो मरीज है, मरीजों बताया जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है उन मरीजों को भी कहीं ना कहीं ये वायरस हुआ नजर आ रहा है, तो इसको लेकर सरकार काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजा, बने रहिए हमारे साथ। सतवीर जी, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने चाहिए? डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप हमने देखा, बहुत खतरनाक कहर बरपाया डेल्टा वेरिएंट ने, लेकिन अब ये तो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, किस तरह के एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत है? मैं एक तो आपने टर्म यूज करी कि हम सौभाग्यशाली हैं, तो सौभाग्यशाली तो हम नहीं कहेंगे, विपदा के समय में भी हमें ये कहना चाहिए कि विपदा है कोई बात नहीं, विपदा से हमें डरना नहीं है, खौफ नहीं करना है, विपदा में हमें अवसर देखने हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं। खासतौर से मैंने सिर्फ डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि आज हमारे पास ये सुविधा है, नहीं तो एक वो भी जमाना था जब पेंडेमिक आया था और उस बारे में लोगों को पता तक नहीं चल पाया था, क्योंकि ना तो लोगों के पास मीडिया था, ना लोगों के पास ज्यादा इंटरनेट तो था ही नहीं, तो यही मैं कहने की कोशिश करी। जी ये बहुत अच्छी बात है, गांव में दूर दराज इलाकों में गरीब आदमियों में भी 10-10-20 आदमियों को मिला करके ऐसे स्कूल खोले जाने चाहिए, 20 बच्चों के लिए, 10 बच्चों के लिए, स्लम में जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, जिनके पास डिजिटल तरीका नहीं है, 10-15 आदमी बुला करके क्लस्टर बना करके एक तरह से जैसे नुक्कड़ नाटक होता है, नुक्कड़ क्लास लगाई जानी चाहिए। ये सरकार को आपकी तरफ से सुझाव देना चाहिए, मीडिया को ये कहना चाहिए कि जो बेचारा गरीब से गरीब आदमी है, जो गरीब बच्चा है,
उसको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी सुविधा है, डिजिटल टीचिंग हो, डिजिटल सारा काम हो और लोग माने। दूसरा जो आप प्रचार कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। एक मैं और बात समझाना चाहूंगा, लोग जो समझते हैं कि हम चार आदमी बैठे हैं, हमारे को तो किसी को कोरोना नहीं है, हम क्यों मास्क लगाएं? इसलिए मास्क जरूरी है कि हम चार आदमी बैठे हैं, हमारे में से हो सकता है एक कोरोना पॉजिटिव हो, उसको छोटा सा जुकाम हो या कोई भी सिम्टम ना हो, और जो तीन आदमी साथ में बैठे हैं वो सोच रहे हैं हम तो सारे ठीक हैं, कुछ भी करते रहें, गले मिलते रहें, जो मर्जी करें, किसी को कुछ नहीं होगा जी, और जी। तीन दिन बाद पता लगता है दूसरा आदमी पॉजिटिव आ जाता है। जिस आदमी ने बीमारी फैलाई है जरूरी नहीं है कि उसको भी सीवियर सिम्टम हो, उसमें तो वायरस इफेक्टिव नहीं हो पाया। जब भी वायरस को दूसरे आदमी में मौका मिला जाने का, हो सकता है वो बिल्कुल सबसे बड़ी टेंशन की बात ये है कि जरूरी नहीं है कि सिम्टम सब में हो। कई पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक जो होते हैं वो उनकी वजह से जो है बीमारी ज्यादा फैलती है, वो तो फैलाते हैं। बिल्कुल वो फैलाते हैं। दूसरी आपने बात की कि डेल्टा प्लस जो है ना कितना खतरनाक होगा, ये तो शुरू से ही, चाहे कोई फसलों को कीड़ा लगता है, चाहे घर में मच्छर है, शुरू में मच्छर डीडीटी से मर जाया करता है, उसके बाद मच्छर को बीएचसी से मारना शुरू किया, फिर मेलाथियन से मारना शुरू किया, अब और नई नई दवाइयों से मारते हैं। तो जब भी मच्छर वेरिएशन करेगा, जब भी वायरस वेरिएशन करेगा, जब भी कोई प्रोटोजोआ बैक्टीरिया वेरिएशन करेगा, तो नई वेरिएशन पहली से खतरनाक होगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो उसने वेरिएशन इसीलिए, म्यूटेशन इसीलिए की है अपने आप को बचाने के लिए। जी जी। तो जितने आगे भविष्य में वेरिएशन आएंगे, जितने भी म्यूटेशन आएंगे, वो प्रेजेंट म्यूटेशन से ज्यादा खतरनाक। आपके पास वापस लौटूंगी सतबीर जी, एक बार हमारे सहयोगी राजा लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से जरा उनका रुख कर लेते हैं। तो राजा, अभी फिलहाल जो एक ये चिंता का विषय बना हुआ है डेल्टा प्लस वेरिएंट, अभी किस तरह का इनपुट जो है मिल पा रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से? अभी R&D हो रही है इसको लेकर, और किस तरह की अवेयरनेस फैलाई जा रही है? बिल्कुल नंदनी, डेल्टा प्लस की हम बात करें तो उसको लेकर काफी ज्यादा केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं रिसर्च कहीं ना कहीं कर रही है, और साफ तौर पर जिन जिन मरीजों को हुआ है उस राज्य के तमाम जो विशेषज्ञों की बात डॉक्टर्स की बात करें वहां पर सलाह मशवरा किया जा रहा है कि किस तरीके से इस वायरस को रोका जा सके, डेल्टा प्लस को रोका जा सके। तो साफ तौर पर इसको लेकर केंद्र सरकार काफी जरूर गंभीर नजर आई है, चाहे बड़े सीनियर डॉक्टरों की बात करें वो भी इसको लेकर कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे हैं। देखने की बात हुई केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, क्योंकि भारत में 6 राज्यों में 40 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है पिछले एक हफ्ते में। ये एक बड़ी बात है और काफी गंभीर कहीं ना कहीं बात है कि पिछले एक हफ्तों में 32 मामले कहीं ना कहीं सामने आए हैं, ये चिंता का विषय। राजा के ये जानकारी मिल पाई है कि जिनकी मौत डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से हुई है वो लोग वैक्सीनेटेड थे या फिर नहीं? बिल्कुल, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 साल की बच्ची है और एक महिला है। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि एक जो महिला है उनको वैक्सीन लगी हुई थी, साफ तौर पर उन्होंने पहले डोज ली थी, उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनकी मौत हुई है। तो ये एक विषय है कहीं ना कहीं रिसर्च का, उसको लेकर तमाम जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उस पर कहीं ना कहीं छानबीन कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से तमाम जो ये डेल्टा प्लस है कि और कितना आगे चलकर कहीं ना कहीं घातक साबित हो, उसको लेकर तमाम जो चेतेज की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तमाम डॉक्टर की बात करें, वो कहीं ना कहीं इसका मंथन कर रहे हैं। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल जरूर खत्म हो गया नंदनी, पर जिस तरीके से डेल्टा प्लस ने अपनी कहीं ना कहीं छाप शुरू कर दी है 6 राज्यों में कहीं ना कहीं फैल गया, ऐसे में केंद्र सरकार काफी गंभीर इस मामले को ले रही है क्योंकि पूरे देश में कहीं ना कहीं ये ना फैल जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सतबीर जी, आपने सुना हमारे सहयोगी राजा पटेल को कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से 2 मौतें हुई हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें से जो एक महिला है वो वैक्सीनेटेड तक थी, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात। बिल्कुल चिंता की बात है, लेकिन मैं ये फिर भी दोबारा से ये कहना चाहता हूँ क्योंकि जो डेल्टा प्लस वेरिएशन से केसेस इफेक्ट हुए हैं वो ज्यादातर 45 साल से ऊपर कम है, 45 साल से नीचे के ज्यादा हैं। इसका मतलब हम इनडायरेक्टली प्रिज्यूम कर सकते हैं, पक्का तो नहीं कह सकते, क्योंकि 45 से ऊपर जो लोग हैं उनको दोनों डोज लग चुके हैं, और 45 से नीचे हैं हो सकता है उसको एक ही डोज लगी हो, दूसरी ना लगी हो, पॉसिबल है ये, लेकिन कोई पक्की बात नहीं है। तो लेकिन फर्क दोनों में जरूर मिलेगा, फर्क कितना मिलेगा, 50% मिलेगा, 40% मिलेगा, 70% मिलेगा, ये कहना, ये स्टडी आएगी तो पता लगेगा, लेकिन फर्क जरूर मिलेगा। तो वैक्सीनेशन जरूर करवाना है, ये कहना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन बचाव जरूर करेगा, कितना बचाव करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, और ये मानकर वैक्सीनेशन लगवाना है कि 70% 80% वो बचाव करेगा।
जी, बिल्कुल। लेकिन उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं इस र्यूमर में आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन से किसी तरह के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या लोगों की जान जा रही है, कई इस तरह की कहानियां देखिए सुनने को मिल जाती हैं, तो कई लोग डरे हुए हैं। इस तरह के र्यूमर्स जो फैलाए जा रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या किया जाए, लोगों को क्या बोला जाए? बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई वैक्सीन से कोई डेथ नहीं होती। इस तरह तो आप सड़क पर पैदल चलोगे तो भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। जो हेलमेट नहीं पहनते बच्चे वो ये कहते हैं कि हेलमेट बिना पहने भी मौत उतनी होती है, हेलमेट पहन के भी उतनी होती है। ये तो सब कहने के बहकावे की बातें हैं। वैक्सीन डेफिनेटली प्रिवेंशन देता है और वैक्सीन से साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील है। एक दिन बुखार हो गया, थोड़ी हरारत हो गई, थोड़ी थकान हो गई, इसके अलावा हार्डली कोई वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट होता है। होता क्या है, वैक्सीन के अगले दिन कुछ हो जाए तो उसको वैक्सीन को ब्लेम कर देते हैं। मैं एक पुराना उदाहरण देता हूं, जब हम शुरू में कॉपर्टी आई थी या विसेक्टमी ट्यूबेक्टमी आई थी, तो क्या होता था, किसी की विसेक्टमी हुई है ट्यूबेक्टमी हुई है उसको दो दिन के बाद निमोनिया हो जाएगा, कहेंगे इसने दो दिन पहले नसबंदी कराई थी। या किसी लेडी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पेशाब में प्रॉब्लम आ जाती है, वो कहते हैं इसे प्रॉपर्टी लगवा रखी इसलिए इसको हो गया। तो हर चीज को, किसी मरीज को वैक्सीनेशन के चार दिन बाद कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको वैक्सीनेशन को ब्लेम करना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। मैं आपके चैनल बनी रही है, बनी रही है हमारे साथ, बिल्कुल। हमारे एक और सहयोगी पेहुवा से पुनीत जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी है आपके पास? हम लगातार यहाँ पर डेल्टा प्लस वेरिएंट का डिस्कस कर रहे हैं, अभी किस ताजा अपडेट के साथ आप मेरे सामने हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मंजूरा, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जैसे लगातार जो स्थिति हुई डेल्टा वायरस के आ रहे हैं, तो इसको हमें रोकने के लिए तो हमें लोगों में डर खत्म हो चुका था, लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, तो अब एक नया वेरियंट कोरोना वायरस का जो डेल्टा आया, तो इसको डेल्टा प्लस से रोकने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर यादविंदर भी मौजूद है, तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि किस तरह से हम डेल्टा प्लस वायरस से बच सकते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि अब डेल्टा वायरस आ चुका है, डेल्टा प्लस को रोकने के लिए किस तरह से इससे हम इससे बचाव कर सकते हैं? जी अपना जी, देखिए जो डेल्टा वेरियंट है वो इसलिए नया स्ट्रेन है क्योंकि इस वायरस का बाकी वायरस से 40% चांसेस ज्यादा है ट्रांसमिशन, और इसमें जो लक्षण है वो भी हमारे जैसे COVID-19 वैसे ही, लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहले हेडेक, फिर गला खराब, फिर हमारे मतलब रनिंग नोज, जुकाम वगैरह, और उसके बाद बुखार आता है, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, वो अभी भी बढ़ता है, इसमें भी है उसमें भी है। इससे भी जो केसेज हैं वो हमारे महाराष्ट्र में आ चुके हैं, केरला में आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, तो अभी केसेज बढ़े बढ़ने के चांसेज हैं और हमें उसको रोकना होगा। इसलिए छोटे डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और अपना मास्क लगा के वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा और लगवा दिए, जैसे कि अभी जी देखिए अब वैक्सीनेशन लगातार चल रही है, तो अब देखे जाए तो लोगों में इस प्रकार का भी डर देखने को मिल रहा है कि पहले ही कोरोना वायरस से गुजरे थे, एक साल हो गया लगातार, तो अभी डेल्टा वायरस आ गया। तो चलिए पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, आपके साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर सतबीर आपका भी शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि कोई भी वायरस आप तक तभी पहुंचेगा जब आप लापरवाह होंगे। अगर आप लापरवाही नहीं बरतेंगे तो चाहे कोरोना का डेल्टा वेरिएंट हो, डेल्टा प्लस वेरिएंट हो, या फिर कोई और वेरिएंट हो, मास्क लगाएंगे, डिस्टेंसिंग रखेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे जुलेंगे, तो आप तक कोई वायरस नहीं पहुंचेगा। इसीलिए अपना ध्यान रखिए, और किसी भी तरह का कोई भी म्यूटेशन कोरोना का हो रहा है उससे डरिए मत, लेकिन अलर्ट रहिए। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही।